करार हुआ था। अम्मी जॉब मिल गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है आगे। एक कॉल पे नहीं आई, हज़ार कॉलों के बाद आई, बार बार कॉल करने पे आई हूँ, तंग होने पे आई हूँ, और यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि प्लीज़ ये बात एक्सेप्ट कर लो कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जी ठीक है अरीब, रेहान रेहान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO, इन्हीं के साथ तो हमारी कंपनी का जॉइंट एडवेंचर है। क्यों ज़बरदस्ती उसे बांध के रखा हुआ है? आज़ाद कर दो उसे, छोड़ दो। ना ही तुम्हारे कहने पर मैंने उससे यह ताल्लुक जोड़ा था, ना ही तुम्हारे कहने पे ताल्लुक तोड़ूंगा। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अगर माही खुद एक बार भी मुझे कह देगी कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दूंगा उसे। हेलो, बाहर आऊँ, बाहर खड़ा हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं कहीं नहीं आ रही। तुम्हारे घर के बाहर गेट पे खड़ा हूँ, बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। गाड़ी में बैठे मुझे तुम मॉडर्न बात करनी है। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? ये कहा गाड़ी में बैठो, इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर, गाड़ी में बैठो माहिर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तमाशा मत करो, घर है मेरा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? गाड़ी में बैठो वरना खुद को मार दूंगा। क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो माही, अभी इसी वक्त। तुमने मुझसे कहा था ना, प्रॉमिस किया था कि माहिर अगर तुम्हें अपने मुंह से बोलेगी कि उसे छोड़ दो तो तुम उसे छोड़ दोगे। माहिर बोलो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को तुम्हें अभी और इसी सेकंड तलाक दे।
कुछ कह क्यों नहीं रही हो, बोलो ना। छोड़ो इसका, हम इसी बात। हाथ तो तुमने छोड़ना है, मैं तो सारी जिंदगी के लिए यह हाथ थामने के लिए इसे अपने साथ यहां लेकर आया हूं। बताओ इसे माहिर की, तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक है। हक तब जताना जब हक हासिल हो जाए। मुझे हक नहीं है, मुझे तो वो सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें इस नामों ने हाथ रिश्ते से आजाद करने में, जिसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो। तुम बोलोगी इसे, इसे बताओ, बोलो क्या बोलूं। इच्छा बनाए हो तुम लोग, क्या समझते हो अपने आप दोनों? कौन हो तुम लोग? और मैं क्या हूं? माले गनीमत हूं जिसपे हम चिताने की बातें कर रहे हो। कोई खिलौना हो जिसका भी दिल भर गया तो दूसरे को दे दिया या छोड़ दिया। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। तुम्हारी मर्जी बताने के लिए ही तुम्हें इधर लेकर आया हूं, क्योंकि शायद इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। बीच बाजार मोहब्बत नहीं जताई जाती, सौदेबाजी की जाती है। अफसोस हो रहा है यार, मैं हम कहां आके खड़े हो गए जहां पे गन पॉइंट पर तुम अपनी मोहब्बत जता रहे हो। कीमतें लग रही हैं, इसकी नहीं इसकी हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है, बहुत बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, देवता हो। वो कहेगा छोड़ दो तो छोड़ दोगे मुझे? क्या बताओ, मुझसे नहीं पूछना मुझे क्या चाहिए। हंसी के मुजरिम से ये पूछी जाती है ना उसकी आखिरी ख्वाहिश। हंसी घाट पे तो मैं खड़ा हूं जिससे उसकी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूछी गई। लेकिन बीच बाजार अदालत तुम लोगों ने मेरी लगाई हुई है ना, तो मैं मुजरिम हुई। अब सजा सुना दो मुझे, सुनाओ सजा सुनाओ। मेरी बात सुनो। क्या है मेरी सजा? मैं मसला हूँ, मुझे बताओ मेरी क्या सजा है, क्या सजा है मेरी? तुमने छोड़ना है मुझे, छोड़ना है मुझे, छोड़ दो। बल्कि इससे तुम मुझे मार दो। कहाँ है तुम्हारी गन? क्या क्या माहिर, मार दो ना, मुझे मार दो, मुझे मार दो। तुम सबके मसले हल हो जाएंगे। तुम्हें मारना हल नहीं है वहां। क्या है हल, क्या है हल? बस माहिर मुझे, अच्छा तुम उसको छोड़ दो ना। तुम उसके पीछे क्यों अपने आप को इतना खराब कर रही हो? माहिर बस बहन, बहुत हो गया ये तमाशा, अब ये मजीद नहीं चलेगा।
ये शरीफ और इज्जतदार लोगों का मोहल्ला है। हाँ हाँ, इन लोगों की आंखों की तो शर्मिया ही मर चुकी है। खुली इजाजत दे रखी है अपनी बहू बेटियों को, मगर अब इस मोहल्ले में ये बगाड़ती नहीं होगी। देखो जरा, ऐसा लग रहा है सारे के सारे नशा करके सो रहे, ना अपनी इज्जतों का ख्याल हो ना दूसरों की। अरे मैंने अपने गुनहगार आंखों से देखा है लोगों के घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों को आते हुए। अभी इज्जत साहब की बेटी गई है किसी गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठ के। हज़ब खुदा का, शादीशुदा लड़की, ना इसको शर्म है और ना हया। रफिया, क्या हो गया है? कौन सी कयामत आ गई है जो इतना शोर मचा रखा है? कयामत तो हमें तुम्हारे घर में आए दिन देखने को मिलती है, और हमें तो खुद डर लगता है तुम लोगों की वजह से कहीं हम पे भी अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो जाए। क्या हो गया है? ये इज्जतदार शरीफ लोगों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं होगा। चची जान, क्या हो रहा है? ये सब खैरियत है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज का शोर मचा रखा है। नफीसा, आखिर को माजरा क्या है ये? और आराम से बात करो, ये कौन सा तरीका बात करने का? हम लोग भी इज्जतदार लोग हैं। इतने शरीफ लोग होते ना तुम लोग, तो तुम लोगों के घर की बहू अमीरजादों के साथ गाड़ियों में चक्कर ना चलाती फिरती। बकवास मत करो, खबरदार एक लफ्ज़ भी और कहा तो। बकवास अपनी तुम बंद करो, समझ में आ रही है? शरीफों का मोहल्ला है ये, यही सब तमाशे करने ना, तो बोरिया बिस्तर उठाओ कहीं और जाके बस जाओ। शुक्र करो कि अभी हम सिर्फ दो लोग आए यहाँ पे, अगर मर्दों तक ये बात चली गई ना, सोच नहीं सकते तुम लोगों के साथ क्या होगा। खुदा का खौफ कर लो कुछ। अरे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची पे ये बोतान लगाते हुए? खुदा का डर ना होगा तुम पर। हाय हाय, एक तो चोरी पर से सीना जोरी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? गई होगी उसी मिर्जादे के साथ। देखो मेहनाज, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो तरीके से बात करो। और हम कौन सा नए आके रह रहे हैं इस महल में? साला साल से है ना हम लोग यहाँ पर, आज से पहले कोई ऊंच नीच हुई नहीं ना। अच्छा अनीसा आपा, राई होती है तो ही पहाड़ बनता है, बहुत अरसे से चल रहा है ये सब कुछ। वो तो अब तक हम खामोश थे सरवर भाई और अजहर भाई की शराफत की वजह से, लेकिन अब और नहीं, अब नहीं चलेगा ये सब कुछ। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अच्छा अच्छा, बस बात खत्म करो और आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे, हमें भी तुम लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। रफिया कहाँ है माहिर, और किसके साथ गई है वो? Excuse me, अंदर जो पेशेंट इनके साथ आप हैं? जी मैं। प्लीज आप में से कोई एडमिशन फाइल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एडमिन ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। देख रही हैं आप अपनी बहू के कारनामे? अरे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बाहर किस तरह निकले, लोगों की नजरें नहीं पत्थर लगते पत्थर जो हर उठते कदम के साथ हम पर बरसते हैं। बाहर वाले क्या पत्थर बरसाएंगे जब घर के अंदर लोग बैठे मौके की ताक में हैं। मौका तो कहीं माहिर भी नहीं छोड़ती चाची जान, आप देख नहीं रही हैं किस धड़ल्ले से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। अब महारानी आएंगी और उनसे कोई सवाल होगा तो 10 गज की जबान आ जाएगी बाहर, और तुम्हारी जो 20 गज की जबान चले चले जा रही है वो। अरे भाई बस कर दो, तुम बता क्यों नहीं रही हो कि कहाँ है माहिर? अरे क्या बताएंगी वो, जवाब होगा तो कुछ बोलेंगी ना। भाभी जब माहिर आएगी तो पूछकर बता दूंगी आपको भी और आपकी बेटी को भी। जब तक माहिर वापस नहीं आएगी ना, ना आप यहां से हिलेंगी ना मैं। जी कामरान साहब, सब खैरियत है इस वक्त? आपको जो काम का है प्लीज वो कीजिए। ठीक है, आप अकाउंट की डिटेल भेज दें, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। जल्दी करें।
सॉरी सर, आपको कार्ड डिक्लाइन शो कर रहा है, आपको जो है कैश पेमेंट करने पड़े। आप सब कर आपको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम, फिलहाल अंदर काम शुरू करें। कार्ड दीजिए। ठीक है सर। कहाँ गायब है, ना बातचीत ना हालचाल। जी आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए आपसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। सुना था अरिब बेटे की शादी कर लिया आपने। नहीं, हमने अरिब की बात तय कर ली है। आई थिंक माहिर, यही नाम है ना उसका, अनाविया की कजन। नहीं, मेरी भांजी है। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। इंशाल्लाह आपसे जरूर मिलवाऊंगी, हम जान मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। वाने जान, मुझे नहीं लगता कि हमें अरीब को यूं कनाडा भेजना चाहिए। आई मीन, वो पहले ही मुझसे इतना दूर दूर रहता है, उसे यूं इतनी एक्सेसिव स्पेस मिलेगी तो वो तो और दूर हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो इनसिक्योरिटी हो रही है। और कोई रास्ते भी तो नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में रहेगा तो माहिर उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आई थिंक दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वी हैव नो चॉइस बट सिट। हेलो जी, कमरान जी, कमरान साहब, क्या अरीब अस्पताल? मैं जाती हूँ। क्या क्या हुआ अरीब को? आई डोंट नो, अरीब अस्पताल में। एजाज, एजाज मेरा पर्स लाना। आखिर इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पहेलियां क्यों बुझा रही हैं अम्मी? अब तो पूरे मोहल्ले को पता है कि माहिर क्या चाहती है। राना, तू करम कर दे मेरे घर पे, उन्हें रहमत कर दे। हजर पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। अपने बेटे पे तरस नहीं आ रहा आपको? क्या गलती है उनकी जो ये सब देखना पड़ रहा है उन्हें? चाचा जान 100 दफा कॉल कर चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन आपके तसल्ली के लिए एक दफा और कर लेती हूँ। कह रही हूं ना, कोई रिस्पांस नहीं है। तो तुम हो अरीब के अस्पताल में होने की वजह? ये तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने वेलफेयर ट्रस्ट खोल रखा है जिसके तहत मुस्तहक लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार। डॉक्टर साहब क्या बना, होश कब आएगा उनको? हमने क्रॉस टेस्ट तो करवा ली है, लेकिन प्रॉपर रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इनकी ये मेंटल कंडीशन जो है, मेरे ख्याल में शायद कोई गहरे सदमे की वजह से है। कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस, क्योंकि अभी भी देखें इनका बीपी काफ़ी लो है और हार्ट रेट जो है वो भी काफ़ी कम। थैंक यू डॉक्टर साहब। माहिर ठीक तो? आप कौन? हस्बैंड। ओके जी, पहले से बेहतर हैं और वीकनेस के लिए मैंने कुछ मल्टी विटामिन्स लिख के दे दिए,
और ये कि इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि इनको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। तुम जानती हो ना, तुम्हारा मुझसे ज्यादा कोई और ख्याल नहीं रख सकता। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, इन सब लोगों से दूर, जहां तुम्हें कोई परेशान ना कर सके। सिर्फ मैं और तुम हो। घर चलो। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे साथ परेशान हो रहा हूं। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अस्पताल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है, लेकिन आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कामरान साहब ने फोन किया था कि तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी तो जान निकल गई थी बेटा। सब ठीक है मॉम, रिलैक्स, घर जाए, घर आके बात करता हूँ। अगर सब ठीक है तो तुम हमारी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? देखो तो सही फोन। बिजी था यार, एक दोस्त एडमिट हुआ, उसको मिलने आया हूँ। कौन सा दोस्त, क्या हुआ उसे? आप यहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन करने लग गई है? आपको बोला ना घर जाए, घर आके बात करता हूँ। तुम्हारी तो जान निकल गई, मेरा बच्चा शुभ है, बिल्कुल ठीक है। वानिछा, मुझे लगता है जिस दोस्त की ये बात कर रहे हैं वो माहिर है। आप आए मेरे साथ। अच्छा तो तुम हो अरीब के अस्पताल में होने की वजह? तुम लोगों ने क्या मेरे बेटे को एटीएम कार्ड समझ रखा है? बस कर, चुप कर जाओ। ये तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने वेलफेयर ट्रस्ट खोल रखा है जिसके तहत मुस्तहक लोगों का मुफ्त में इलाज होता है। क्या गलत कह रही है मुमानी जान?
सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारी रेफरेंस से आए होंगे ना। चलो साथ कहाँ जा रही है? तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं, प्लीज बैठो ना। मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मेरे रास्ते में मत आना। चलो साथ कहा था जाएं? ठीक किया है मैंने, पागल हो गए उस लड़की के चक्कर में। अरे अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों टहल रही हैं? बैठ जाए आराम से पानी पिया। तुम कहाँ जा रही हो रफिया? आमना के घर जा रही हूँ, माहिर का फोन नहीं लग रहा है। अरे साथ कहाँ रह गए थे? और ये माहिर तुम्हारे साथ? तबीयत ठीक नहीं थी माहिर की, हॉस्पिटल में थे। बेटा क्या हो गया? साथ क्या हुआ इसे? देख लिया आपने, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी बेटी की, अस्पताल में थी वो, और यहां आप लोगों ने ऐसे कयामत खड़ी की हुई थी कि अरीब के साथ भाग गए। मोहल्ले वाले आके सर पे खड़े हो गए थे कि बच्ची चली गई घर की इज्जत नाकदार करके। मैं तो अपना खून है ना, अपने खून पे तो भरोसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने मेरी बच्ची की इज्जत पे कीचड़ उछालने की। माँ क्या लगेगी आपको, क्या ना सकून? क्या हुआ माहिर, अस्पताल क्यों गई थी बेटा? तबीयत को क्या हुआ है? क्या हुआ बेटे, क्या बात है? मेरे कमरे से मेरी दवाइयों और एक ग्लास पानी ले आओ। क्या जरूरत थी आपको माहिर के पास जाने की? मैं जितना इन मामलों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतना बिगाड़े जा रही हैं। क्यों नहीं जा सकती मैं? सिर्फ आईना ही तो दिखाया उन लोगों को, कुछ गलत नहीं किया मैंने। बिल्कुल ठीक किया है वो मारी जान ने, वो लोग तुम्हें किस तरह यूज कर रहे हैं तुम्हें तो समझ भी नहीं आ रही। हेलो, जरा तीलियां लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन मुझे यूज कर रहा है और कौन नहीं। तुम समझते हो? तुम कुछ नहीं समझते। ऐसे मौके पर असलूंगी तुम्हें पहचान तक नहीं है।
बहुत सादे हो तुम, नोच के खा जाए तुम इस दुनिया के। माहिर मेरी दुनिया है, माहिर मेरी दुनिया है, सुन रहे हैं आप दोनों? और अगर किसी ने भी मेरी दुनिया को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगा। बस कर दो अली, बहुत हो गया। माही, रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारी बीवी हूं ना मैं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं, तो तुम मुझे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? पैसों का मसला तो किसी सस्ते अस्पताल ले जाते, क्या होता ज्यादा से ज्यादा, मर जाती? मर तो अभी भी गई हूं ना, उन कमजोर लोगों के एहसान तने। सॉरी यार। किस बात का सॉरी और किस किस बात का सॉरी बोलोगे तुम? आज तक मैं तनकर खड़ी हुई थी अरीब के सामने, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ खड़े हुए हो। ये लकीर तुमने खींचे हमारे दरमियान, छुटकारा चाहते हो ना मुझसे, छोड़ना चाहते हो, तुम्हारी इज्जत पर दाग बन गई हूं मैं, छोड़ना चाहते हो मुझे, छोड़ दो। क्या बोल रही हो यार, मैं छोड़ सकता हूं तुम्हें? माही, अगर एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी हो और एक तरफ सिर्फ तुम हो तो मैं तुम्हें चुनूंगा। मैं ऐसा सोच पे कैसे लिया, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर खुश रह सकता हूं? कैसे सोच लिया माही तुमने? और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अरीब के कहने पर तुम्हें छोड़ दूंगी? साद, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना होता ना, मैं तुम्हें कब घर छोड़ चुकी होती। मैंने दिल से तुम्हें कबूल कर लिया है, तुम्हें मेरे लिए मैंने नहीं, मेरे खुदा ने चुना है, और खुदा का इंतखाब गलत नहीं होता है। कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो। पता नहीं, से कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथों, कंगाल। तुम्हारी इस बात के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात मेरी मुट्ठी में, एक अजीब सी ताकत मिल गई हमसे। तुमने मुझे जमीन से आसमान बना दिया, एक ही लम्हे। थैंक यू एंड आई एम सॉरी, हमेशा तुम्हारी ढाल बन के रहूंगा, हमेशा। सुनो, मुझे प्यार हुआ।
इकरार हुआ था। क्या मसला, क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? माहिर, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, तुम ठीक तो हो ना? हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ मैं। प्लीज भूल जाओ मुझे, भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई माहिर नाम की लड़की आई भी थी। मैं कैसे भूल जाऊं मैं तुम्हें? सांस लेने से पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल होता है मेरे दिमाग में। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं माहिर। तुम्हारी मोहब्बत में इज्जत नहीं है। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि अगर इस मोहब्बत में मुझे चुनना पड़ा कि मोहब्बत या इज्जत, तो मैं इज्जत को चुनूंगी। अब तुम मुझे और इस मोहब्बत को एक ख्वाब समझकर भूल जाओ जिसकी कोई ताबीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये माइन का घर यही? जी सर। तुमका कोरियर आया था, क्या आप रिसीव करेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू। इकरार हुआ था, इकरार हुआ था।